एक दिन हम ही पांच संकल्प पुरा लिए, अगर जहिया पुगाएंगे तो यह 108 पंडाल को पुगाएंगे। तो लोग कह रहे थे कि हिंदू के साथ साथ मुस्लिम धर्म के लोगों भी बढ़ चढ़ के हिस्सा। जमीन हिंदू का है, अधिक जमीन मुस्लिम भाई को है, जितना में कर्ज करता हिंदू है उतना ही मोहम्मदन है। अभी हम श्री 108 सीताराम नाम जप महायज्ञ में है, हमारे साथ दंडी बाबा हैं जिनके नाम पे यह 108 मंडपों वाला महायज्ञ स्टार्ट किया गया। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है बाबा जी आपका। 108 पंडाल श्री सीताराम जग 9 दिवसीय जादवपुर बखरी खजरी ननकार में हम यहाँ शुरू कराए। सावन में ध्वजारोपण में अरे राज रविशंकर गिरी पवन जायसवाल विधायक जी यहाँ पूरा ग्रामवासियों मिल के सावन पूर्णिमा को ध्वजारोपण करवाए। 5 फरवरी कलश यात्रा कल था, 6 फरवरी से आज जग शुरू है। 108 पंडाल में सीताराम धुन चल रहा है। मेरा नाम राघव मुखिया उर्फ डंडी बाबा हुआ, बसीना एथई का एक खजूरी बकरी के है। सनातन धर्म को अपने धर्म को आगा उजियार करने के लिए श्री सीताराम धुन चालू करवाए हैं। इसे श्रद्धा भक्ति में सनातन धर्म वाले इसमें लागे रहे, जुड़ा रहे, टाइम मिले तो कुछ धर्म पर चर्चा चले, सीताराम सीताराम धुन चलाए। जो अपना जिसको धर्म है वो अपना धर्म करने से अच्छा ये है। हाँ, यही बात से अजोजन हम 108 पंडाल जग के श्री सीताराम धुन के हम नारे इस जग में। अच्छा बाबा जी, 108 पंडालों की कहानी क्यों है, 108 पंडाले आप लोगों ने क्यों बनवाया? 108 पंडालों की कहानी है से इसे अग्नि कुंड 9 फीट लंबाई है, 9 फीट गहराई है। इसमें गुगुल जटा मसी घी क्रायल धूप ये सब उसमें 9 दिवसीय जरेगा, उसको सुगंध आकाश में जाएगा, उससे अच्छाई प्रभाव हर जीव हर फलों हर घासों पर आएगा। ये जग से सीताराम धुन करने से अच्छा माने प्राप्त नगर में विश्व कल्याण विश्व शांति जग होता है। हाँ, महाविष्णु जग इसको नाम है। सीताराम नाम जप करने से लोगों के सुख होगा, शांति महसूस होगा, शांति मिलेगा। हाँ, इस पंडाल में बताया जा रहा है कि अलग अलग मंडलियाँ आए हुए हैं, 108 पंडाल में अलग 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 मंडलियों द्वारा सीताराम नाम जप किया जा रहा है। हाँ, अलग अलग देखिए रहे हैं अभी पूरे मंडली में, अभी लोग इसमें खट रहा है। अलग अलग मंडली अलग अलग पंडाल, थोड़ा को घूम कर देख लीजिए, अलग अलग मंडली है, अलग अलग पंडाल है। ये से इतना दूरी हटकर जगशाला है, उसमें रसलीला होगा, उसको आवाज़ यहाँ नहीं आएगा। ये में आचार्य महोदय हमारे 11 जजमानों का वेद पढ़ाएगा, उसको आवाज़ वहाँ नहीं जाएगा। उन्हें झूला मूला है, उसका हाला उधर रह जाएगा। भोजनालय वहाँ है मंडली लोग के लिए, उसका हाला उधर रह जाएगा। राम वहाँ आम जनताओं के लिए वहाँ पंखत का सीताराम है, वहाँ का हाला वहाँ रह जाएगा। इसका राउंड में पंचकर्मा करने वाला करेगा। बाहरी यात्री के लिए वहाँ आश्रम है, सिफ्टी है, शौचालय है, झरना है। इस गांव का बस्ती का इलाका का लोग भरपूर सेवा में लगे हुए हैं, कोई तरह का दिक्कत नहीं है। बाबा जी, जिस तरह से आपने इस महायज्ञ का नींव डाली, किस तरह से समर्थन मिला यहाँ लोगों के द्वारा, इस जिले के जो बहुत बड़े बड़े लोग हैं, पंडित है, साधु है, किस तरह से समर्थन मिला? सबसे पहले यहाँ महाविष्णु जग कराए इसी गांव में। अच्छा। 9 दिन में बहुत बढ़िया पार ला गया, मनसूबा मेरा बढ़ गया। उसको बाद घरे से डन देकर चल गए अरे राय। अच्छा। उसी सक्षम हो गए, उसमें मनसूबा बढ़ गया। फिर आया यहाँ, हम कहा कि ऐसे महाचंडी 9 दिन का जग कराया, वो भी पार लगा यही गांव में। अच्छा। फिर मनसूबा बढ़ गया, फिर कहा कि सुल्तानगंज से डंड काट कर बैनाध हम गए, वो भी सक्षम हो गया, मनसूबा बढ़ते गया। उसको बाद में बेलवा घाट से 72 किलोमीटर अरेराज पड़ता है, उसको 12 महीना के 2413 उसमें डाक चढ़ाए, 4+ सावन सुमारी 1 साल में 28 डाक बेलवा घाट से चढ़ा दिए, उसी में मनसूबा बढ़ गया। धर्म के में लगले लगले
फिर एक बार सोचे, बड़ा कोरोना मरोना होता है, विश्व कल्याण विश्व शांति कैसे होगा, आत्मा में मेरा बसा जी जी। अगर 108 पंडाल का हम जग करा देते हैं तो कहीं ईश्वर चाह लेंगे तो विश्व कल्याण विश्व शांति होगा, इसी बात हम सोच के ये जग के माने रोपण किए 108 पंडाल के अपने नेत्र अपने दिमाग से हौसला से। विश्व कल्याण के लिए आप लोगों ने महायज्ञ कर दिया, 108 सीताराम नाम यज्ञ कर दिया, और यहाँ के लोगों ने किस तरह समर्थन कर रहे हैं, किस तरह से बताया जा रहा है? कुछ लोगों से हमने बात किया तो लोग कह रहे थे कि हिंदू के साथ साथ मुस्लिम धर्म के लोगों भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए हैं। इसमें आधी जमीन हिंदू का है, आधी जमीन मुस्लिम भाई को है, दोनों जमीन मिलजुल कर दे दिए। जितना चंदा गांव को दिया उतना ही चंदा हिस्सा लगाकर मोहम्मदन भी दिया। जितना इनमें कर्जकर्ता हिंदू है उतना ही मोहम्मदन है। हाँ, हर चीज बांस जितना हिंदू में कटाया है उतना ही मोहम्मदनों में कटाया है, पूरे बढ़ चढ़ के हिस्सा बराबरी का हिस्सा मुस्लिम धर्म के लोगों ने भी लिया। हाँ हाँ हाँ, ये में कोई दोमत का बात नहीं है। हाँ, यही सब बात है। आज आज पहला दिन है इस महायज्ञ का, सारी भगवान के प्रतिमाओं का मुख आज खुलेगा, और क्या कामना करते हैं इस जिला? बता रहे थे कि उत्तर बिहार में दूसरी बार हो रहा है महायज्ञ, अपने जिला में प्रथम बार हो रही है। जग हुआ बगही सरकार सीतामढ़ी नारायण दास जी, जग कराए नारायण बाबा, जग कराए 20 साल पहले वो जग से कराए। तो हम सोचे से एक दिन हम ही 5 संकल्प पुरा लिए, अगर जहिया पुगाएंगे तो यह 108 पंडाल को पुगाएंगे। 10 साल से सोचते इनको हुआ, हम इस जग नार दिए मल्ली, सब लोग साथ बहुत बढ़िया से ढंग से काल करल जात्रा में लमसम 20,000 पंगत को सीताराम कन्याए कुमारे मंडली साधु गांव के जत्रीगण बाहरी ये लोग पंगत का सीताराम हुआ, ना कोई दिक्कत हुआ, जय जय है। ये गांव में चादोपुर बकरी खजरी है, इंग्लिश में लिखाता है माने बखारी, हिंदी में बखारी, तो बखारी का मतलब इस गांव में कुछों का कमी नहीं है, जहां से आते रहे बखारा है, जहां से बखान है, जहां से आवे वहां से पूजा प्रधान होते रहे, करते रहे, खाते रहे, लोग जाते रहे। यानी कि यहाँ इस बात का कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा कि हिंदू धर्म का पूजा हो रहा है तो मुस्लिम कोई प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दें, मुस्लिम लोगों ने बड़ा तन मन धन से सहयोग किया, बहुत तन मन से सुनते हैं, बैच लगाकर घूमते हैं, बांस काटे हैं, इसमें घूमते हैं, ट्रैक्टर देते हैं। हाँ, यहाँ कुछ साफ बुझा, आधा जमीन उनको है मोहम्मदन को, आधा हिंदू का है। अच्छा, इस विश्व कल्याण के लिए आप लोगों ने महायज्ञ किया, बहुत ही सुंदर है, साधुवाद देंगे, आगे क्या संदेश देने, क्योंकि आज प्रथम दिन है इस महायज्ञ का, बाकी पूरे जिले के लोग यहाँ पर आएंगे, किस तरह से आएंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को? इसमें तो पहले आकर हमारे ढाका जी DSP साहब जी, प्रभारी साहब चैनपुर थाना, हमारे मुखिया सरपंच साहब है, आइए सरपंच साहब इधर जी, हाँ वर्तमान है जी, सरपंच साहब सारे लोग को बैठा के बोले से अपने ये एक आदमी का जग नहीं है, सारे लोग का जग है, इलाका को जो गोदी में सबको जग है, सब आदमी एक पैर पर खड़ा होके अपने भूखे रह जाइए, अपने कपड़ा नहीं ओढ़िए, जिसको ठंडा लग रहा है उसको अपना साल दे दीजिए। हाँ, अपने भरपूर सेवा ककर इस जग को 9 दिन पार लगा देना है, हमारे सरपंच साहब मनोज यादव जी बोले। यानी कि आम जन से लेके बड़े अधिकारी अपलाधिकारी सभी लोगों का समर्थन आपको मिला है? हाँ, मिला। तब जाकर यह 108 श्री सीताराम नाम जप यज्ञ का आपने शुभारंभ कर दिया, और यहाँ लोग आ भी रहे हैं, बहुत सारे सरपंच साहब ने हमने बात भी किया है, बहुत सारी सुविधाएं भी है, लोग बाहरी आएंगे उनको खाने पीने के लिए दोनों टाइम का व्यवस्था भी है, बाकी पानी वानी पीने के लिए, बच्चों को झूला वूला झूलने के लिए सारा व्यवस्था किया गया है। लेकिन लास्ट अपने भक्तों को यहाँ के लोगों को क्या आशीर्वाद देना चाहेंगे? आशीर्वाद सब लोगों के विश्व शांति विश्व कल्याण का मतलब है सब शांति रहे, सबको दुख बीमारी ना हो, आपस में मिल व्यवहार कर रहे, आपस में एक मान के चले, यही हमारा कहना है। चलिए, धन्यवाद आपका सहानी के साथ जुड़ने के लिए। अभी हमारे साथ थे दंडी बाबा जी, जिनके वजह से यह महायज्ञ प्रारंभ किया गया। इस मेले में आइए, इस महायज्ञ में आइए, और श्री 108 सीताराम नाम जप यज्ञ का आनंद उठाइए, और विश्व कल्याण और शांति के कल्याण के लिए इस मेले में आइए, उस मेले का आनंद। बाकी वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।